मार्केट असेसमेंट असेसमेंट का मतलब ही होता है चेक करना इवालुएट करना इन्वेस्टिगेट करना यानी मूल्यांकन करना तो मार्केट असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट को एक्सेस करना उसको इन्वेस्टिगेट करना मार्केट को मार्केट को चेक करना तो मार्केट असेसमेंट इज अ डिटेल्ड एंड ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन यानी कि मार्केट असेसमेंट क्या है डिटेल और ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन है मार्केट का कि वहां पर जो भी पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट है न्यू बिजनेस आइडिया न्यू इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा तो मार्केट असेसमेंट इज अ डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए मार्केट दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग यानी कि मार्केट असेसमेंट क्या है एक इन्वेस्टिगेशन है मार्केट का जो कि हेल्प करता है डिसीजन

की रिसोर्से तो कंस्टेंट क्या है उस मार्केट में एंटर करने के लिए इसकी हेल्प करता है मार्केट असेसमेंट सेल्स फोरकास्टिंग मार्केट रिसर्च ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं मार्केट असेसमेंट्स करते हैं कि मार्केट को इन्वेस्टिगेट करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू मार्केट रिसर्च सर्वे कंज्यूमर सर्वे जो करते हैं आप उससे के थ्रू मार्केट को असेस करते हैं अब बात करें कि नीड क्या है मार्केट असेसमेंट की तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट असेसमेंट मार्केटेसमेंट किसी भी चीज की किसी चीज को असेस क्यों करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को उसकी, उसकी उसमें जो भी खामियां हैं या फिर जो भी अच्छा है उसको आप आइडेंटिफाई

तो मार्केट असेसमेंट क्या है प्रोवाइड अवेयरनेस रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशन तो यानी कि पहली चीज़ कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है किसी भी मार्केट की उसके बारे में आपको अवेयर करता है मार्केट असेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है उस मार्केट में थ्रेड्स किन चीज़ों से है उसके बारे में आपको नॉलेज देगा दूसरा हेल्प्स इन डेवलपिंग टैक्टिकल एक्शन स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन तो जो आपने मार्केट कंडीशन को एक्सेस किया मार्केट असेसमेंट के थ्रू अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स को उसके बेसिस पे फिर आप फ्यूचर की स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं तो मार्केट असेसमेंट क्या है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में हेल्प करता है Yeah. <laughs> हेल्प इन फोरकास्टिंग यानी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है क्या स्टडीज होनी चाहिए उसमें आपको मार्केट असेसमेंट हेल्प करता है और फाइनली हेल्प इन शॉट एनालिसिस यानी कि कंपनी को हेल्प करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेड को एनालाइज कर सके एज पर टू मार्केट जिस भी मार्केट में वो एंटर करना चाहते हैं अब हम बात कर लें कि क्या टूल्स हैं या फिर क्या डायमेंसन्स हैं जिसके बेसिस पर मार्केट असेसमेंट किया जाता है तो कुछ बेसिस होती है उन्हीं के बेसिस पे किसी भी मार्केट को असेस किया जाता है किसी भी चीज को चेक करने का इन्वेस्टिगेट करने का कुछ क्राइटेरिया होता है बेसिस तो उसी के बेसिस पे मार्केट को असेस किया जाता है पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट साइज तो सबसे पहली चीज मार्केट एस्टिमेशन करते हैं हम क्या देखते हैं कि मार्केट साइज कैसा है उसको डिटरमाइन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सेल सेल एंड पोटेंशियल किसी भी मार्केट साइज को हम उसकी सेल्स में यानी कि उस मार्केट में कितनी सेल्स आ रही है और कितनी सेल्स आ सकती है उसके बेसिस हम मार्केट के साइज को डिटरमाइन करते हैं कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन गवर्नमेंट रिकॉर्ड कस्टमर सर्विस टक्सा तो जो ये मार्केट साइज है यानी कि जो सेल्स है कि कितना सेल्स हुआ है कितना सेल्स हो सकता है वो डेटा हम ट्रेड एसोसिएशन से होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वहां से कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से कंज्यूमर कस्टमर सर्वे करके हम उसको रिकॉर्ड को इकट्ठा कर सकते हैं दूसरा जो मार्केट असेसमेंट का डायमेंशन है क्राइटेरिया है वो है मार्केट ग्रोथ रेट यानी कि उस मार्केट का ग्रोथ रेट क्या है वहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है डेमोग्राफी या सेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितना इंक्रीज होता है फिर कितना डिक्रीज़ होता है वहाँ की डेमोग्राफी या सेल्स किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर वो मार्केट ग्रोथ रेट को आपको असेस करना है फिर मार्केट प्रोफिटेबिलिटी यानी कि उस मार्केट में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितनी प्रॉफिट हो सकता है आपकी प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा ठीक अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम ए मार्केट डिफरेंट फॉर डिफरेंट फर्म डिफरेंट फर्म के लिए डिफरेंट प्रॉफिट अर्न होता है किसी भी मार्केट में तो माइकल पॉर्टर मॉडल यहाँ पे आता है जिसमें क्या होता है कि बायर की बार्गेनिंग पावर क्या है सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्या है एग्जिस्टिंग कंपटीशन कितना है उसके बाद जो है थ्रेड्स कितने हैं न्यू सब्स्टिट्यूट्स के और एंट्री बैरियर्स कितने हैं तो इसके बेसिस पे आप किसी भी मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है किसी भी मार्केट में किसी भी मार्केट की फिर है इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर यानी कि उस इंडस्ट्री में कितना कॉस्ट आ जाएगा आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कितने आते हैं किसी भी फम द्वारा उस इंडस्ट्री में उस मार्केट में रन करने के लिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा उस मार्केट में डील करने के लिए उस मार्केट के कस्टमर को सर्व करने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो सकता है डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर इनडायरेक्टली यानी कि होल और रिटेलर के थ्रू आपको वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा देन है मार्केट ट्रेंड उस मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं यानी कि चेंजेस क्या होते हैं उस मार्केट में जैसे कि प्राइस के साथ प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है प्राइस डिक्रीज uh, हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ये सब चीज़ करना यानी कि प्राइस सिटी को चेक करना फिर डिमांड फॉर वैरायटी यानी कि अलग अलग वैरायटी पीपल हैं यानी कि वहाँ पे जो है वेराइटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है डिमांड किया जाता है तो मार्केट ट्रेंड को भी चूज़ करना है तो ये डायमेंसन्स हैं किसी भी मार्केट को असेस करने के लिए उस मार्केट को जब भी आंध्र प्रदेश किसी मार्केट को असेस करता है तो उसमें इन चीज़ों को देखता है कि मार्केट का साइज़ क्या है यानी कि सेल्स कितना है वहाँ पर ग्रोथ रेट क्या है प्रॉफिटबिलिटी कितनी है उस मार्केट की इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना है डायमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है वहाँ पर डायरेक्ट uh, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फिर चैनल्स के इंटरमीडिएट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और मार्केट का ट्रेंड क्या है वहाँ पर प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है डिमांड क्या है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए तो ये है मार्केट असेसमेंट नीड और उसके डाइमेंशंस तो विश यू ऑल द बेस्ट कीप वाचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस